दोस्तों, आपने डिस्कवरी और दूसरे टीवी चैनलों में जंगल तो खूब देखे होंगे। हो सकता है जंगल जाने का मौका भी मिला हो। कैसा होता है जंगल का जीवन, ये सवाल हमेशा हमारे दिमाग में आता है। वहाँ का जीवन दिलचस्प होता है। दुनिया के कई जंगल अपने विकराल रूप के लिए जाने जाते हैं। अफ्रीका के जंगल तो दुनिया भर के लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा है। अफ्रीका के जंगल में बड़ी संख्या में 5 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें हाथी, गैंडा, शेर, तेंदुआ और जंगली भैंसा प्रमुख हैं। इसके अलावा यहां पाए जाने वाले जानवर अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में अफ्रीका के जंगलों में दिखे गुलाबी हाथी ने इसके प्रति उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। अफ्रीका के जंगल जिस खासियत के लिए जाने जाते हैं वो हैं यहाँ जानवरों को खुले में घूमते देखना, जबकि दूसरे देशों में ये इतना आसान नहीं है। यहाँ चीतों की संख्या लगभग 10,000 के करीब है। भारत में लगभग लुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने के लिए अफ्रीका के जंगलों से यहाँ लाए जाने पर विचार हो रहा है। यहाँ पाए जाने वाले लाल रंग के मेंढक अपनी जहरीली त्वचा के लिए जाने जाते हैं, जो रात में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। यहाँ आने वाले लोग रात में पेड़ों पर कैंप लगाते हैं। अफ्रीका के जंगलों में एलिफेंट राइडिंग, बैलून सफारी, गोल्फ कार्ट राइडिंग और जीप सफारी का अपना अलग मजा है, जिसके लिए दुनिया भर से वन्य प्रेमी यहाँ आते हैं। केन्या की सफारी सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे खासे आकर्षक होते हैं। अफ्रीका के जंगल अपने रहस्य के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ऐसे कई दिलचस्प पेड़ पाए जाते हैं जिनके बारे में सुनने पर आप अचरज में पड़ जाएंगे। यहाँ के जंगलों में ऐसा पेड़ पाया जाता है जो इंसानों की तरह हंसने वाली आवाज़ निकालता है, जिसके फूलों में आटा या दूसरे किसी पिसी चीज़ लगा देने से हंसने जैसी आवाज़ पैदा होती है। दक्षिण अफ्रीका के घने जंगलों में नरभक्षी पेड़ भी पाया जाता है। इसके अलावा इंसानों या किसी जीव का खून चूसने वाले पेड़ भी इन्हीं जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाला एक पेड़ तो ऐसा है जिसके तने से धुआं निकलता है, जबकि ऐसा ही एक पेड़ है जो खुद ही आग की लपटों जैसा जलने लगता है, जिसे फूल तेल फेंकने लगते हैं और तेल अपने आप गैस बनकर जलने लगती है। अगर आपने जंगली बच्चे मोगली, टार्जन और फैंटम के बारे में सुना है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि टार्जन और फैंटम को एक काल्पनिक चरित्र थे, इन्हीं अफ्रीका के जंगलों पर आधारित थे। दोस्तों, अफ्रीका के जंगलों में ऐसे बहुत से जानवर एवं पेड़ पौधे हैं जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ बहुत से अजीबोगरीब पेड़ एवं जंतु पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।